हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साल था 1942, जब जर्मनी ने अपने V2 रॉकेट के परीक्षण के दौरान होने वाली हर एक गतिविधि पर पूरी तरह नजर रखने के लिए पहली बार CCTV यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे का यूज किया, और तभी से यह डिवाइस हमारी दुनिया में खासा प्रयोग में लाया जाने लगा। आमतौर पर यह सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ ऐसा मज़ेदार और हैरतअंगेज कैद हो जाता है जिसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आज के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय फुटेजेस दिखाने वाले हैं जो यदि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए होते तो इन पर कोई विश्वास तक नहीं करता। बर्ड्स फ्लॉक। हमारा पहला वीडियो है मेक्सिको के चिहुआवा शहर से, जहां एक शाम एक घर पर लगे सिक्योरिटी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया गया जिसे देखने वालों के होश उड़ गए। आइए देखते हैं ये वीडियो। अचानक आसमान से हजारों परिंदों का यूं गिरते हुए देखना वाकई एक कष्टदायी दृश्य है, लेकिन साथ ही ये बेहद विचित्र भी है, क्योंकि एक साथ इतने पक्षियों का गिरना और फिर उनमें से बहुतों का दम तोड़ देने को कोई आम घटना नहीं कहा जा सकता। पर इसके कारण का पता आज भी नहीं लगाया जा सका है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शायद पक्षियों का यह झुंड किसी जहरीली गैस की चपेट में आ गया होगा, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता तथ्य नहीं है। लाइटनिंग स्ट्राइक। आप में से बहुत से लोगों ने यह बात तो सुनी होगी कि आसमान से गिरने वाली बिजली किसी एक जगह पर दो बार नहीं गिरती, और यदि बिजली किसी इंसान पर गिर जाए तो उस इंसान के बचने का चांस बहुत ही कम होते हैं। किसी इंसान पर बिजली गिरने की संभावना 9,60,000 में से एक होती है, लेकिन कोरिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने महज कुछ ही मिनट्स में इन दोनों फैक्ट्स को गलत साबित कर दिया। जब वो अपनी नौकरी की शिफ्ट खत्म करके वापस घर के लिए निकला था, तभी उस पर अचानक बिजली गिर गई। आइए देखते हैं ये वीडियो। कुछ देर के लिए तो लगा कि यह इंसान अब मर चुका है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से उठ खड़ा हुआ, जो कि अपने आप में ही एक अचंभित करने वाली बात थी। और जैसे ही वह अपना होश संभालकर थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बार फिर उस पर एक और बिजली गिर गई। ये सारा वाक्या वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखने से तो लगता है कि मानो तूफान के देवता इस इंसान से खासा नाराज थे। गार्डियन एंजल। आप सभी ने कभी ना कभी कोई ऐसा वाक्या सुना होगा जहां किसी व्यक्ति की जान खतरे में थी, लेकिन अचानक घटना स्थल पर कोई ऐसा अननोन व्यक्ति आ जाता है जो कि ऐन वक्त पर उस इंसान को मौत के मुंह से निकाल ले जाता है। ऐसे ही एक वाक्य की वीडियो फुटेज को हमने पहले के एपिसोड में भी आप सभी को दिखाया था, लेकिन अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आप और भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति फुटपाथ के किनारे पर चल रहा होता है, लेकिन उसे देखकर लग रहा है कि उसका ध्यान कहीं और है। फिर एक अनजान व्यक्ति उस आदमी के बगल से होकर गुजरता है, लेकिन उसे क्रॉस करते वक्त उसके कंधे पर टैप करता है, जिसके कारण फुटपाथ पर चल रहा व्यक्ति पीछे मुड़ता है, और तभी उसे उसकी और तेजी से आता एक ट्रक दिखाई देता है जिसके कैरेज का दरवाजा खुलकर हवा में झूल रहा होता है। उसे अपनी ओर आता देख वो व्यक्ति इससे सावधान हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। यदि वो अनजान व्यक्ति उसकी पीठ पर टैप ना करता तो शायद फुटपाथ पर चल रहा आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाता, या फिर उसे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता था। तो आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने ऐन वक्त पर उस आदमी की जान बचाई? क्या वो आदमी कोई फरिश्ता था, या फिर कोई टाइम ट्रेवलर जिसे इस घटना का पूर्वाभास था, या फिर ये एक महज कोइंसिडेंस था? आपको क्या लगता है? आज के वीडियो में बस इतना ही।
यदि आप हमारे चैनल पर कॉटन वीडियो टेप्स देखना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि चैनल पर आगे आने वाली और भी दिलचस्प वीडियो को आप मिस ना कर सकें। आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।